देख रहे हैं केवल सच। 20 रुपए और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को क्यों नहीं दे सकते हैं, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोग भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। आईएएस अधिकारी हरजोत कौर के बयान से मचा बवाल। पटना के एक कार्यक्रम में छात्रों से संवाद कर रही थी अधिकारी। छात्रा ने सैनिटरी पैड मुहैया कराने पर पूछा था सवाल। इस सवाल के जवाब में आईएएस अधिकारी ने दिया बेतुका कमेंट। जवाब में हरजोत कौर ने पूछा, कल तो कॉन्डम भी चाहिए होगा। हम जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपए का ये विस्पर दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को क्यों नहीं दे सकते हैं, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोग भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। सब कुछ मुफ्त में लेने की जो सरकार की इसमें जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को उससे संपर्क करो, सरकार है उसके लिए छोड़ो, जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं होगा। तब तक कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, मां हम छोटी नहीं है, बाकी जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच रहा है। वोट के लिए भी आती है कितना अच्छा से? क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं है? अच्छा मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं नहीं मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैं हूँ हिंदुस्तान में, तो पाकिस्तान में क्यों जाओ? तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो? वीडियो के वायरल होते ही बढ़ने लगा मामला। राष्ट्रीय महिला आयोग की हुई इस मामले में एंट्री। आईएएस हरजोत कौर भामरा से मांगा है 7 दिन में जवाब।